जय हिंद दोस्तों, बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, अभी छत्तीसगढ़ में SI की भर्ती प्रारंभ हो चुकी है या उसके लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं, और PST के बाद जो इसका प्रथम चरण होगा वो लिखित परीक्षा होगी, प्रारंभिक लिखित परीक्षा होगी। तो इसमें किसी भी टॉपिक को आपको कितना डिटेल में पढ़ना है और कितनी गहराई में किसी टॉपिक को पढ़ा जा सकता है वो इस वीडियो के माध्यम से आप लोग समझ पाएंगे। इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखेंगे अगर जरूर, और मैं निश्चित तौर पर आपको दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि अगर आप किसी भी टॉपिक को इतने गहराई से पढ़ते हैं जितना कि मैं इस वीडियो में पढ़ाने वाला हूं, तो मैं आपको लिखित में दे सकता हूं कि आपका चयन SI में होना निश्चित है। कोई भी आपका चयन नहीं रोक सकता है अगर आपने सभी टॉपिक को इस प्रकार से पढ़ लिया है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो हमारा भारत के संविधान का एक महत्वपूर्ण भाग है, भाग 18। उसमें आपातकालीन उपबंध दिए गए हैं, मतलब कि इमरजेंसी प्रोविजंस दिए गए हैं, आपातकाल के समय सरकार क्या क्या एक्शन लेती है। तो किसी व्यक्ति को अगर इसके बारे में पूछा जाएगा तो वो अनुच्छेद 352, 356 और 360 के बारे में जरूर बताएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में इन तीनों अनुच्छेदों में से केवल एक अनुच्छेद 352 के विषय में हम लोग बहुत ही डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और मैं शुरू करता हूं। तो आज का जो हमारा वो टॉपिक है वो है आपातकालीन प्रावधान, ठीक है, इमरजेंसी प्रोविजन है भारतीय संविधान के भाग 18 में, ठीक है, रोमन लेटर में लिखा गया है, इसको भाग 18 बोलेंगे। इस प्रकार से क्या लिखा जाता है, भाग 18 में इसके बारे में प्रावधान किया गया है। सबसे पहले क्या कहते हैं, इसके लिए तीन अनुच्छेद है। अगर आपको डायरेक्टली छोटा एग्जाम आता है उसमें डायरेक्टली पूछा जाएगा कि आपातकालीन उपबंध किस भाग में दिए गए हैं, तो भाग 18 में दिए गए हैं, ये आप लोग को याद हो जाएगा, ठीक है। भाग 18, तीन महत्वपूर्ण अनुच्छेद है इसमें, अनुच्छेद 352, 356 और 360। ये तीनों अनुच्छेद आपातकालीन उपबंध के प्रावधान से संबंधित है। दोस्तों, आप लोगों को पता है कि संविधान में 22 भाग है, तो 22 में से जो 18 भाग है वो आपातकाल का हो गया, और जो नंबरिंग है वो लास्ट में 395 अनुच्छेद तक है, 395 अनुच्छेद समाप्त हो जाएंगे। तो 352, 56 और 60 चार के गैप में अनुच्छेद दिए गए हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपातकालीन प्रावधान की हमारे संविधान में जरूरत क्या थी, उसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, केंद्र को या केंद्र सरकार को किसी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए ये जो प्रावधान है वो संविधान में भीमराव अम्बेडकर जी के द्वारा या सब वो संसद के द्वारा डाले गए थे। तो ऐसी कोई उपबंध आ जाए या ऐसी कोई समस्या आ जाए जो केंद्र सरकार को निपटने के लिए शक्ति दे, तो इस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं उसमें। इसका उद्देश्य क्या होता है, इसका उद्देश्य में दूसरा एक महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि संविधान में संशोधन किए बिना संघीय ढांचे को एकात्मक ढांचे में परिवर्तित कर दिया जाता है। मतलब संविधान में किसी प्रकार के संशोधन की जरूरत नहीं होती है, और जो संघात्मक ढांचा है मतलब कि केंद्र और राज्य की शक्तियां विभाजित की गई हैं, अलग अलग तरह से ये काम करते हैं अपने अपने क्षेत्र में, तो जो संघीय ढांचा है वो एकात्मक ढांचे में परिवर्तित होता है। मतलब सर्वे सर्वा यहाँ पे कौन हो जाएगा, केंद्र सरकार हो जाएगी, और वही सभी निर्णय लेगी और सभी काम करेगी। एक महत्वपूर्ण दोस्तों बात यह भी है कि जो आपातकालीन प्रावधान है, बहुत लोग को डाउट होता है कि जर्मनी से लिया गया है, ऐसा नहीं है। आपातकालीन जो प्रावधान है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, 1935 से। लेकिन आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों जो अधिकार है, मूल अधिकारों का जो स्थगन होता है या उनका जो निलंबन होता है, वो जो प्रावधान है वो जर्मनी से जरूर लिए गए हैं। आपातकाल के समय जो मूल अधिकारों का निलंबन हो जाता है वो जर्मनी से लिया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कि इन अनुच्छेदों में क्या क्या बातें कही गई हैं। तो जो पहला अनुच्छेद इसकी बात करते हैं, 352, युद्ध मतलब आपका या हमारे देश का किसी अन्य देश के साथ युद्ध हो जाए, बाह्य आक्रमण, कोई दूसरा देश हमारे देश पर आक्रमण कर दे, या तीसरा पॉइंट है सशस्त्र विद्रोह, देश के अंदर ही शस्त्र के साथ किसी के द्वारा विद्रोह कर दिया गया है सरकार के खिलाफ, या अन्य जो चीजें हैं वहां पर कहीं विद्रोह हो जाता है भारत के अंदर कहीं पर शस्त्रों के साथ में। तो ये तीन कंडीशनों पे अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, और घोषणा कौन करेगा, घोषणा करता है यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत क्या तीन कारण है, किसी देश के साथ युद्ध हो जाना, किसी दूसरे देश का हमारे ऊपर आक्रमण कर देना, या देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह, शस्त्रों के साथ किसी ने विद्रोह कर दिया है। तो इन तीन कंडीशनों में अनुच्छेद 352 का प्रयोग करके राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जा सकती है, पहला अनुच्छेद है। दूसरा अनुच्छेद की मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बताऊंगा, लेकिन इनके बारे में आप लोग देख लीजिए वीडियो के माध्यम से। अनुच्छेद 356, राज्यों में संवैधानिक आपातकाल, संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसको राज्यों का आपातकाल भी बोलते हैं, या संवैधानिक तंत्र की विफलता जो शब्द है ये इतना महत्वपूर्ण इसलिए है, संवैधानिक तंत्र क्या होता है, अगर राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बन पा रही है, किसी को पूर्ण बहुमत नहीं है, तो जनरली वहां पर राष्ट्रपति शासन,
अनुच्छेद 356 इसको संवैधानिक तंत्र की विफलता, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति शासन। ये किसी राज्य विशेष पर लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है राष्ट्रपति शासन। तो अगर कहीं पर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी है, किसी को बहुमत नहीं मिला है, तो वहाँ पर राष्ट्रपति शासन जनरली लगा दिया जाता है। अभी हाल ही में महाराष्ट्र में लगा दिया गया था, क्योंकि वहाँ पर तीन जो पार्टियाँ हैं वो मिलकर के सरकार वहाँ पर चला रही है। तो ये दूसरा अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। तीसरा अनुच्छेद 360 है, ये कभी भी देश में नहीं लगा अभी तक, वित्तीय आपातकाल। कभी भगवान ना करे ऐसा हो कि हमारा जो रुपया है जो अभी तक लगातार गिर रहा है, ये इतना ज़्यादा गिर जाए कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने की जरूरत पड़ जाए। मतलब कि जब आपकी वैल्यू करेंसी की जो कीमत है वो अगर बहुत गिर जाती है, तभी आपको क्या इस अनुच्छेद की जरूरत पड़ेगी वित्तीय आपातकाल की। और ऐसा अभी तक देश में आज़ादी के बाद से कभी नहीं हुआ है। तो अनुच्छेद 352, 356, 360 भाग 18 आपको याद करना है, किस लिए है, केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से बदलने के लिए है और निपटने के लिए है। 352 युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के द्वारा लगाया जाता है। 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और 360 वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है। तो ये आपातकाल संबंधित प्रमुख बातें हो गई हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, केवल अनुच्छेद 352 इसके बारे में ही हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं। आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 352 के बारे में बात करते हैं। इसके लिए राष्ट्रपति घोषणा करता है आपातकाल की, घोषणा कौन करेगा, राष्ट्रपति। यहाँ पे जो सशस्त्र विद्रोह दिख रहा है दोस्तों, इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था, ठीक है। 78 से पहले यहाँ पर एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, उसका नाम था आंतरिक गड़बड़ी। आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा यह कहा गया कि जो आंतरिक गड़बड़ी है उसको सशस्त्र विद्रोह से रिप्लेस कर दिया गया। और पहले 1978 के पहले जो आपातकाल की घोषणा की जाती थी राष्ट्रपति के द्वारा, इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी, लेकिन अभी इसको न्यायालय में चुनौती भी दी जा सकती है, इस आधार पर कि राष्ट्रपति ने जो घोषणा की है वो द्वेषपूर्ण है या किसी अन्य आधार पर वो किया हुआ है, ठीक है। तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और इसके पहले, मतलब 44वें संविधान संशोधन के पहले, जो राष्ट्रपति थे वो केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अगर प्रधानमंत्री कहे भी राष्ट्रपति को कि आप आपातकाल की घोषणा कर दीजिए, तो भी वो नहीं करेंगे जब तक उनको मंत्रिमंडल, या आप याद रखिएगा, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर। अब ऐसा प्रावधान है कि मंत्रिमंडल जब लिखित सिफारिश करेगा, लिख करके दिया जाएगा राष्ट्रपति को, तभी वो क्या करेंगे, घोषणा करेंगे। किसकी सिफारिश पर, मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, ना कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो अब ऐसा है कि अगर प्रधानमंत्री अकेले चाहे मैं देश में राष्ट्रीय आपातकाल लगा दूं, तो ऐसा अब नहीं होगा, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लगाया जाएगा। तो ये प्रमुख बिंदु है, क्योंकि आजकल दोस्तों एग्जाम में इस प्रकार से आता है कि 3-4 स्टेटमेंट दिए जाते हैं, आपको पूछा था निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो आपको डिटेल में संविधान तो स्पेशली पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि आप लोग किस स्तर पर पढ़ाई कर रहे हैं और आप लोग इनमें से कितनी बातों को पहले जानते थे और कितनी बातों को अभी जान रहे हैं, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, 1900 इसी को हम लोग डिटेल में देखेंगे, 352 वाले को ही, और 56 और 60 के लिए मैं अगले पार्ट में बताऊंगा। 44वें संविधान संशोधन में एक और संशोधन किया गया कि संसद से अनुमोदन कराना पड़ेगा। राष्ट्रपति जैसे ही आपातकाल की घोषणा करेगा, उसके एक माह के भीतर इस घोषणा पत्र को संसद के समक्ष, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में रखना पड़ेगा, और एक माह के भीतर विशेष बहुमत से, एक माह के भीतर किस प्रकार से, विशेष बहुमत से अगर संसद पारित करेगी, तो यह 6 माह के लिए आगे जारी रहेगा, फिर 6 माह पुनः संसद में रखना पड़ेगा, और 6 माह के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। इस प्रकार से ये अनंत काल तक बढ़ाया जा सकेगा। ये दोनों जो प्रावधान हैं वो 44वें संविधान संशोधन में रखे गए थे। अब 44वें संविधान संशोधन में आपातकाल संबंधित इतने महत्वपूर्ण परिवर्तन क्यों किए गए, ये भी सोचने का विषय है। क्योंकि 1975 में आंतरिक आपातकाल इंदिरा गांधी जी के द्वारा घोषणा कर दी गई थी, और उसका जो आंतरिक आपातकाल था, मतलब आंतरिक अशांति, आंतरिक गड़बड़ी या आंतरिक अशांति के आधार पर 1975 में आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी, और जो प्रमुख नेता थे विरोधी दल के सभी को जेल में डाल दिया गया था। इस कारण जैसे ही इंदिरा गांधी की सरकार जाती है, आपातकाल खत्म होता है, नए चुनाव करवाए जाते हैं,
तो व्यापक रूप से इस प्रावधान में संशोधन किए गए हैं ताकि कोई भी प्रधानमंत्री मनचाहे रूप से आपातकालीन घोषणा ना कर सके। तो जैसे ही राष्ट्रपति आपातकालीन घोषणा करेगा उस प्रस्ताव को संसद के सदन में रखा जाएगा और एक माह के भीतर विशेष बहुमत से पारित करवाया जाएगा। अगर बाय द वे पारित हो गया तो आपातकाल 6 माह तक जारी रहेगा और 6 माह बाद फिर से पारित करवाया जाएगा। अगर ये पारित नहीं होता है तो यहाँ पर आपातकाल लागू नहीं रहेगा। दूसरा एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी है, यहाँ पर मैंने लिखना भूल गया है कि अगर आपातकाल की घोषणा होती है और लोकसभा का विघटन हो जाता है, मतलब लोकसभा को भंग कर दिया जाता है, इस कंडीशन में जो आपातकाल की घोषणा का जो पत्र होगा उसको राज्यसभा के द्वारा पारित करवा लिया जाएगा और जैसे ही नया लोकसभा का गठन होगा तो 30 दिन के अंदर उस लोकसभा जो नई बनकर के आएगी उसके द्वारा पारित होना बिल्कुल अनिवार्य है। मतलब कि नई लोकसभा बनने से पहले राज्यसभा के द्वारा उस प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया गया हो तभी वह प्रस्ताव क्या रहेगा, जारी रहेगा, अन्यथा आपातकाल वहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण 2 पॉइंट है, 1 माह के भीतर आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। पहले इसका समय 2 माह था, बाद में संशोधन करके इसको 1 माह कर दिया गया। आगे चलते हैं दोस्तों, अनुमोदन भी आपको समझ में आ गया होगा। आपातकाल की समाप्ति, आपातकाल की घोषणा हो चुकी है, अगर परिस्थितियां सामान्य हो जाती हैं, युद्ध वगैरह शांत हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा करके सामान्य रूप से किसी भी सदन की अनुमति की जरूरत नहीं है। राष्ट्रपति अगर उद्घोषणा कर दे कि आपातकाल का जो मैंने घोषणा की थी उसको मैं वापस लेता हूं, या आपातकाल की समाप्ति घोषणा कर दे राष्ट्रपति, तो आपातकाल यहां पर समाप्त हो जाएगा। दूसरा, ये एक पहला कंडीशन था आपातकाल की समाप्ति का। अगर दूसरा ये भी है कि इसको भी 44वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था कि लोकसभा अगर साधारण बहुमत से ही अनुमोदन को अस्वीकार कर दे तो भी जो है आपातकाल वो भी समाप्त हो जाएगा। देखो, अगर आपको आपातकाल जारी रखवाना है तो लोकसभा से या संसद से विशेष बहुमत से उसको पारित करवाना पड़ेगा। अगर लोकसभा बैठती है आपातकाल के दौरान और वो साधारण बहुमत से भी कह दे कि अब आपातकाल की जरूरत नहीं है और जो आगे बढ़ाने का जो प्रस्ताव होगा उसको अस्वीकार कर दे तो भी यहाँ पे आपातकाल की समाप्ति मानी जाएगी। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये विशेष बहुमत से होता है और ये साधारण बहुमत से होता है। दोस्तों आगे बात करते हैं इसके प्रभाव, ये तो समाप्ति भी हो गया। एक चीज और, अगर लोकसभा नहीं चल रही है और उस दौरान लोकसभा के 1/10 सदस्य पत्र लिखकर लोकसभा अध्यक्ष को, या नहीं चल रही है लोकसभा तो जनरल सी बात है वो राष्ट्रपति को देंगे और इसके लिए चर्चा करने के लिए विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूँ कि मान लो लोकसभा नहीं चल रही है तो लोकसभा के 1/10 सदस्य, लोकसभा नहीं चल रही है तो अध्यक्ष को नहीं देंगे, वो राष्ट्रपति को पत्र देंगे और विशेष सत्र बुलाया जाएगा। उसमें ये घोषणा अगर कर दी जाती है तो भी जो है ये आपातकाल जो प्रावधान है ये समाप्त कर दिया जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, इसके प्रभाव क्या होंगे। जब देश में आपातकाल लागू है इस समय क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये भी हम लोग बात करते हैं। अनुच्छेद 352 की ही मैं अभी बात कर रहा हूँ। पहला है, जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र के नियंत्रण में आ जाती हैं, निलंबित नहीं होती हैं। जो राज्य सरकारें जो भी काम करेंगी उनके पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार का रहेगा, वो केंद्र सरकार के अंडर काम करेंगी लेकिन उनको निलंबित नहीं किया जाता। ऐसा नहीं कि विधानसभा चल रही है तो उसको भंग कर दिया जाए, सरकार को हटा दिया जाए, वो निलंबित नहीं होंगी, वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में कार्य करती रहेंगी अपने अपने राज्यों पर। इसको क्या बोलते हैं, दूसरे नंबर का प्रभाव देखते हैं। राज्य सूची के विषय में कानून एवं अध्यादेश, राज्य सूची का जो विषय रहेगा उस पर संसद अब कानून बना सकती है क्योंकि वो अब अंडर है, जो राज्य सरकारें हैं वो केंद्र सरकार के अंडर हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि राष्ट्रीय आपातकाल लगा हुआ है तो जो अध्यादेश है वो, जिस पर सामान्य समय पर राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, वो केंद्र सूची पे और समवर्ती सूची पे जारी कर सकता है, तो इस कंडीशन में जो राज्य सूची रहेगा उस विषयों पर भी अध्यादेश राष्ट्रपति जारी कर सकेगा। ये दो महत्वपूर्ण प्रावधान। एक बात दोस्तों यहाँ पर मैं और बता दूं, राष्ट्रपति 3 विषयों पर सामान्य परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है, ये बात आप लोग याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा चुका है। पहली स्थिति वो जो मैंने बताई कि राज्य सूची के विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। दूसरा, संविधान संशोधन के विषय पर भी अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता है, संविधान में कुछ संशोधन करना होगा तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं करेगा। तीसरा प्रमुख इंपॉर्टेंट बात यह है कि मौलिक अधिकारों को अगर कम करने की बात होगी, मौलिक अधिकारों के ऊपर भी कभी भी राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है अध्यादेश जारी करने से तो अध्यादेश मान्य नहीं रहेगा। ये 3 चीजों का आप लोग याद रखेंगे। अगर मैं बात करता हूं जो तीसरा क्या होगा,
राज्य को दिए जाने वाले वित्त कम या समाप्त किए जा सकते हैं। आपातकाल देश में लगा हुआ है और एक निश्चित बंटवारा किया गया था आपातकाल लगने से पहले कि राज्यों को इतना फंड दिया जाएगा हर साल, तो उसको कम किया जा सकता है फंड, या उनको समाप्त की भी किया जा सकता है कि राज्यों को केंद्र से इस साल वित्त नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जो है राज्यों को दिया जाने वाला वित्त कम भी किया जा सकता है और समाप्त भी किया जा सकता है, ये 352 के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। और क्या प्रभाव हो सकते हैं? लोकसभा का कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा। लोकसभा का जो कार्यकाल रहता है वो एक बार में एक साल के लिए बढ़ाया जाएगा, फिर एक साल बाद फिर अगर जरूरत पड़ती है तो एक बार और बढ़ाया जा सकेगा। इस प्रकार से लगातार आप बढ़ा सकते हैं। और ऐसा किया भी गया था, जो पांचवी लोकसभा थी वो 1971 से लेकर 77 तक चल रही थी, क्योंकि उसमें दो बार एक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था कार्यकाल, मतलब कि अगर चुनाव करवाने की परिस्थिति नहीं है तो वहां पर बढ़ाया जा सकेगा। लेकिन जैसे ही आपातकाल की समाप्ति की घोषणा होती है या समाप्त होता है तो उसके 6 माह के भीतर निश्चित तौर पर चुनाव करवाना अनिवार्य है। इस प्रकार से इसको, हाँ एक बात और मैं बता दूं, राज्य सूची को दिए जाने वाले वित्त या समाप्त जो कर कम या समाप्त किए जाएंगे, ये जो आदेश हैं वह उस वित्तीय वर्ष तक लागू रहेंगे जब वह वित्तीय वर्ष समाप्त होता है। मान लो अभी 2022 चल रहा है, अभी यह आदेश जारी किया जाता है आपातकाल में कि वित्त को समाप्त कर दिया गया, तो ये जो पूरा साल रहेगा ये पूरे साल में लागू हो जाएगा, भले आपातकाल हट जाए तो भी पूरे साल भर ये वित्त वाला प्रावधान लागू रहेगा, उस वित्तीय वर्ष तक ये लागू रहता है। कार्यकाल एक बार में एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है बार बार लोकसभा के अनुमोदन से। मूल अधिकारों पर प्रभाव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अनुच्छेद 352 का, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसके लिए दो प्रमुख आर्टिकल है, अनुच्छेद 358 और 359, ये मूल अधिकारों संबंधित बात करते हैं। तो अनुच्छेद 358 के तहत जैसे ही आपातकाल लागू होता है वैसे ही आर्टिकल 19 का निलंबित हो जाता है, मतलब ये अधिकार अब आपके पास नहीं रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 19 अपने आप खत्म हो जाता है, लेकिन ये जो है सशस्त्र विद्रोह के आधार पर खत्म नहीं किया जाएगा। ये जो 358 ये कहता है आर्टिकल जो 358 ये कहता है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का जो अनुच्छेद 19 है, जिसके अंदर घूमने की स्वतंत्रता, बात करने की स्वतंत्रता, संघ करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता है, इसको समाप्त कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपातकाल की घोषणा युद्ध एवं बाह्य आक्रमण के आधार पर हुई है तभी इसको समाप्त किया जाएगा, अगर सशस्त्र विद्रोह के आधार पर हुई है तो इसको समाप्त नहीं किया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रावधान है, बिल्कुल आप लोग इसको याद रखिए। आर्टिकल 359 यह अन्य मौलिक अधिकारों की बात करता है 19 के अलावा, ठीक है, 20 और 21 को छोड़कर जो भी हैं उनके बारे में इसमें बात कही गई है कि जो बाकी मौलिक अधिकार हैं उनका निलंबन नहीं होता है बल्कि वो लागू नहीं होते हैं, मतलब कि जो उनका उपचार है उनके लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकेगा इस दौरान, मतलब कि किसी भी मौलिक अधिकार के हनन पर आप न्यायालय जा सकते हैं। लेकिन 359 ये कहता है कि 19 तो इसके लिए हो गया, 20 और 21 को छोड़कर बाकी जो मौलिक अधिकार है उनके लिए आप न्यायालय नहीं जा पाएंगे, संवैधानिक उपचारों को जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा। 20 और 21 ये किसी भी स्थिति पर आपसे नहीं छीने जा सकेंगे, ये हमेशा लागू रहेगा। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो अब इस वीडियो के लास्ट में मैं बात करता हूँ इस अभी तक जो आपातकाल की घोषणा की गई है, ये भी प्रश्न में पूछा जा सकता है। पहली जो आपातकाल की घोषणा हुई थी वो 1962 में हुई थी चीन युद्ध के समय, और ये 1968 तक लागू थी, 1962 से लेकर 1968 तक पहला आपातकाल की घोषणा थी। दूसरी आपातकाल की जो घोषणा थी वो 1971 में लागू हुई थी, 1971 में इसके लिए घोषणा किया गया था, दूसरा आपातकाल लागू हुआ था। और तीसरा जो आपातकाल था वो 1975 में, ये इंटरनल इमरजेंसी था, ठीक है, आंतरिक आपातकाल था, ठीक है, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर 1975 पे। ये दोनों आपातकाल एक साथ 1977 में समाप्त हुए थे, 1977 में, 77 में, ठीक है। एक बात और, 1965 में यहाँ पे भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो 1965 में जो युद्ध हुआ था तो उस समय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी, क्योंकि 1962 में जो चीन के साथ युद्ध हुआ था, चीन ने हमारे नेफा का जो क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, नेफा उसको कहते थे हम लोग, वहाँ पर आक्रमण कर दिया था, तो ये आपातकाल ऑलरेडी चल रहा था, उसकी समाप्ति की घोषणा नहीं हुई थी। और 1956 वाला भी युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो दोनों के लिए बाद में 1968 में समाप्ति की घोषणा की गई थी।
तो अभी तक 3 बार आपातकाल लगा है। 1975 के बारे में दोस्तों आप लोग थोड़ा सा गूगल में सर्च करिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है यह वाला आपातकाल, आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर जो लगा दिए गए थे इंदिरा गांधी के आधार पर, और पहले ही इसकी घोषणा करवा दी गई थी राष्ट्रपति के द्वारा, बाद में जो मंत्रिमंडल को सूचित किया गया था, और उस समय के जो गद्दावर नेता थे अपोजिशन में उनका नाम था जेपी जयप्रकाश नारायण, और जेपी वो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ में इन्फ्लुएंस हो गए थे, मतलब लोगों को इन्फ्लुएंस करने में भारतीय सेना को कि इंदिरा गांधी की बात ना मानी जाए, और काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी के आधार पर इसको लगा दिया गया था। तो इसके बारे में आप लोग थोड़ा डिटेल पढ़िएगा, इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, आपको फैक्ट पता होने चाहिए। तो इन पूरी चीज़ों को मैंने आपको समझा दिया है, केवल आर्टिकल 352 इतना बड़ा जो मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है, और अगर आप इतनी गहराई में अध्ययन कर रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका सिलेक्शन होना निश्चित है। अब देखिए इंपॉर्टेंट बात मैं रिवीजन करवा देता हूँ, आपातकाल के प्रावधान किसमें है, भाग 18 में है, अनुच्छेद कौन सा 352, 56 और 360, किस लिए लिया गया है कि केंद्र को किसी भी असामान्य स्थिति से निपटने के लिए, ठीक है। 352 में किस आधार पर है, युद्ध के आधार पर, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। 56 किस लिए है, राज्यों के लिए है, इसको मैं अगले पार्ट में डिटेल में बताऊंगा इसको और ये दोनों को, राज्यों के लिए है, तंत्र विफलता के लिए है, और 360 है वो वित्तीय आपातकाल है, फाइनेंशियल इमरजेंसी इसको कहते हैं, ठीक है। ये तीनों चीज़ आपको याद रखना है। 352 की घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। आंतरिक गड़बड़ी शब्द को हटाकर सशस्त्र विद्रोह किया गया था 1978-44 संविधान संशोधन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आपातकाल कैसे लगाया जाएगा, ना कि प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लगाया जाएगा। अनुमोदन के लिए समय कितना मिलेगा, 1 माह में, और विशेष बहुमत से अनुमोदन आपको करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद 6 माह के लिए बार बार ये बढ़ाया भी जा सकता है। आपातकाल की समाप्ति कौन करेगा, या तो लोकसभा अनुमोदन करने से मना कर दे साधारण बहुमत से, या राष्ट्रपति स्वयं उसको वापस ले ले। प्रभाव इसे क्या पड़ेंगे, केंद्र और राज्य में प्रभाव पड़ते हैं, तो राज्य सरकारें वो केंद्र के नियंत्रण में जाती हैं, निलंबित नहीं होती हैं। राज्य सूची के विषय में कानून संसद बना सकती है और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। राज्यों को दिए जाने वाले वित्त कम या समाप्त हो सकते हैं, और ये जो आदेश है उस वित्तीय वर्ष तक बिल्कुल लागू रहेंगे। लोकसभा का जो कार्यकाल है एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, और इस प्रकार बार बार बढ़ाया जा सकता है। मूल अधिकारों पर प्रभाव क्या है, 358 और 359। मूल अधिकार क्या कहते हैं, इसके तहत आर्टिकल 19 अपने आप समाप्त हो जाता है, लेकिन कब, जब घोषणा युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर की गई हो। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर घोषणा की जाती है तो यह समाप्त नहीं होता है। 20 और 21 को छोड़कर बाकी का जो निलंबन है या उनका जो संवैधानिक उपचार है उसको खत्म किया जाएगा 359 के तहत, ठीक है। और अभी तक कितने बार लगा है, 3 बार, 1962, 1971, 1975। ये था 1952 के तहत जो लगाया जाता है आपातकाल। वो मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे अगले वीडियो में, दूसरा पार्ट लेकर के आऊँगा। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लोग शेयर कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, 20-25 मिनट का जो वीडियो रहता है, लेक्चर्स रहते हैं, तो आप लोग शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।